व्हाट्सएप वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप लोग मेरे वीडियोस फर्स्ट टाइम के लिए देख रहे हो तो फिर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ऑलरेडी मेरे वीडियोस देखते हो तो फिर थैंक यू सो वेरी मच। और आप सभी को स्वागत है मेरी एक और नई मेकअप वाली वीडियोस पे। और आज भी मैं आप सभी को पोला बोशा के लिए एक दूसरा मेकअप वीडियो दिखाने वाली हूँ कि आप लोग एक और तरीके से भी मेकअप कर सकते हो, और उसमें आप लोगों को ज़्यादा ज्वेलरी या फिर ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो मैं ज़्यादा ज्वेलरी यूज़ नहीं कर रही हूँ आज, सिर्फ एक चोकर यूज़ कर रही हूँ, और मैंने बाल भी खुली नहीं छोड़ी है। और आज मैंने बाल नहीं खुली छोड़ी है जस्ट बिकॉज मतलब जब पहला पोशाक आने वाला है तब बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, और उसी समय बाल छोड़ के बाहर घूमना मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी, तो इसीलिए मैंने ठीक की है कि मैं एक मेकअप वीडियो आप सभी को दिखाऊंगी जिनमें आप सभी लोग बाल मतलब हेयर बांध के भी आप लोग एक सुंदर सी लुक क्रिएट कर सकते हो, और मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि बाल खुली है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होगी। तो चलिए आप सभी को दिखाती हूँ मैं मेकअप वीडियो। कोई भी मेकअप करने से पहले यू हैव टू मॉइस्चराइज योर फेस, और मैं हमेशा मॉइस्चराइज़र जब यूज़ करती हूँ तब मैं हमेशा ये लैक्मे पीच मिल्क का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, और लिप को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लिप को मॉइस्चराइज़र करने के लिए मैं हमेशा यूज़ करती हूँ लैक्मे का लिप लव मॉइस्चराइज़र लिप बम, और आई हैव डन दैट पार्ट। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी कलर करेक्टर, और जो कि मैं हमेशा मालियों की कलर करेक्टर यूज़ करती हूँ, और आप लोगों को जो भी मतलब सूट करेगा आपके स्किन के हिसाब से आप लोग उसे ही यूज़ करना। ऐसी कोई बात नहीं कि आपको ये वाली कलर करेक्टर ही यूज़ करनी है, अगर आपका ड्राई स्किन हो या फिर ऑयली स्किन हो जो या फिर आपका जिस टाइप की स्किन टोन हो उस स्किन टोन के हिसाब से आप लोग कलर करेक्टर यूज़ करना। और अगर आपको मतलब इसके बारे में नहीं पता कि आपके स्किन टोन के हिसाब से आप लोग कौन सा कलर करेक्टर यूज़ करना होगा तो फिर आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो फिर मैं इस टॉपिक में एक और वीडियो बना के आप सभी को समझाऊंगी कि मतलब कौन से स्किन टोन पे आप सभी को कौन सी कलर करेक्टर यूज़ करनी चाहिए, ठीक है ना। तो लगाती हूँ मैं कलर करेक्टर, जहाँ पे आप सभी का डार्क सर्कल्स है या फिर कोई ब्लैक हेड्स है या फिर एक्ने मार्क्स है उसी जगह पे आप लोग कलर करेक्टर अप्लाई करना। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके फेस में ज़्यादा से ज़्यादा कोई मार्क्स नहीं है या फिर डार्क सर्कल्स नहीं है तो फिर आप लोग कलर करेक्टर के मतलब कलर करेक्टर ना यूज़ करके आप लोग डायरेक्ट हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो, और हाइलाइटर अपने स्किन टोन के हिसाब से मतलब हाइलाइटर मतलब कंसीलर यूज़ कर सकते हो, नॉट एज अ हाइलाइटर। आप लोग अपने स्किन टोन के हिसाब से यूज़ करना ताकि मिट जाए, दिखाई ना दे। तो फिर उसके बाद आप लोग फाउंडेशन यूज़ करना, तो या फिर अगर आपको लगता है कि जैसे कि मेरे फेस पे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन है, तो इसीलिए मैं कलर करेक्टर यूज़ करती हूँ हमेशा। उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ फाउंडेशन, और मैंने पिछले वाली वीडियो पे आप सभी को बताई थी कि मैं फाउंडेशन में दो शेड मिक्स करके यूज़ मतलब लगाती हूँ, और दो शेड में है 230 नेचुरल बफ एंड 335 क्लासिक 10। और मैंने पिछले वाली वीडियो पे आप सभी को कही थी कि मैं 310 यूज़ करती हूँ जो कि है सन बेज, और मैं सन बेज नहीं यूज़ करती हूँ, मैं थोड़ी सी मतलब तभी मैं भूल गई थी,
मैं सन बेज यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं कम्पैक्ट जब यूज़ करती हूँ तब मैं 310 यूज़ करती हूँ। तो मेरी जो स्किन टाइप है, मैं इसके लिए कम्पैक्ट में 310 यूज़ करती हूँ, और जो कि है सन बेज। और जब मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ तब मैं 335 एंड 230 मिक्स करके लगाती हूँ। तो नंबर आप सभी को बता दिया मैंने, तो फिर अब अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हो तो फिर आप लोग नंबर सोच के और आप लोग कलर सोच के आप लोग ख़रीद सकते हो। और अगर आप सभी को फाउंडेशन के बारे में जानना है कि कौन से स्किन टोन के लिए कौन सा मतलब फाउंडेशन लगाना चाहिए, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करके मतलब पूछ सकते हो, मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगी कि। और अगर आपको अगर आप सभी को चाहिए कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं, तो फिर मैं ज़रूर बनाऊंगी आप सभी के लिए। आप लोग फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मतलब स्पॉन्ज को गीला करके अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप सभी लोग फाउंडेशन लगाने के बाद आप सभी लोग एक कोई भी मेकअप फिक्सर ले सकते हो और अपने फेस पे ऐसे स्प्रे कर सकते हो, और उसके बाद आप लोग ब्लेंड कर सकते हो। तब आपको ये वाली ब्लेंडर मतलब गीली करने का कोई ज़रूरत नहीं। बाद मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी, और कंसीलर के लिए मैं हमेशा इनसाइड करेक्टर प्रो कंसील HD हाई डेफिनेशन कंसीलर यूज़ करती हूँ, और इसका प्राइस है 175। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं हमेशा इसे ही यूज़ करती हूँ। और अगर मैं प्रोडक्ट कभी चेंज करूँगी भी, अगर ऐसा कुछ मतलब मुझे ख्याल आया, तो फिर मैं वो प्रोडक्ट आप सभी के साथ बिल्कुल मतलब शेयर करूँगी। और अगर अच्छा रहा तो फिर आप सभी को रिकमेंड भी करूँगी कि आप सभी लोग भी यूज़ करना, मतलब करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मैं यूज़ करके गलत कर चुकी हूँ। बाद मैं यूज़ करूँगी फिटमी का कम्पैक्ट, और जो कि है 330 सन बेज। और आप सभी को पता ही है, जो लोग मेरे वीडियोस स्टार्टिंग से देख रहे हो या फिर एक दो वीडियोस देखे हुए हो, तो उन सभी को पता है कि मैं कम्पैक्ट और फाउंडेशन हमेशा फिटमी का ही यूज़ करती हूँ। और क्योंकि मुझे इन दोनों प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है,